आज के इस अत्यंत आनंददायक और सामयिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय श्री शरद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिय श्री राजनाथ जी, आज की उत्सव मूर्ति मेरे बहुत ही पुराने सुहृद लगभग 50 वर्षों से श्री और ज़्यादा भी है जहाँ तक मेरा ख्याल है हो गया होगा करीब 55-56 मैं वो सब बात नहीं कहूँगा कि मैं कैसे इनको कहाँ से कहाँ लाया वो पुस्तक में मिल जाएगा शायद आपको। श्री कलराज मिश्र पुस्तक के लेखक, श्री वसंत कुमार जी न्यास के अध्यक्ष, श्री कश्यप जी पुस्तक के प्रकाशक और इस सारे आयोजन के सूत्रधार, श्री प्रभात जी कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, अभ्यागत महानुभावों, पत्रकार मित्रों और बहुत से नवयुवक साथियों, कलराज जी ने समाज सेवा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में अनेक प्रकार से योगदान किया है। वो एक संघर्ष करते करते इस स्थान पर पहुंचे। वो उन राजनेताओं में से हैं जो किसी परिवार की कृपा से या किसी घर के बड़े राजनेता के आशीर्वाद से इस स्थान पर नहीं पहुंचे। वो अपनी तपस्या से, अपनी कर्मठता से, संघर्षशीलता से और देश और सिद्धांतों के प्रति समर्पण से काम करते करते यहाँ तक आए। इसलिए जैसा अभी विवेक बोल रहे थे, उनके अंदर का जो समर्पण है और उनके अंदर की जो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की एक अद्भुत क्षमता है, वो आप इसी से समझ लीजिए कि 60 साल हो गए, उन्होंने मुझे अभी तक छोड़ा नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो लोगों को और मेरे जैसे कठिन आदमी को साथ लेके चल रहे हैं, मामूली बात नहीं है, लेकिन वो चल रहे हैं और मेरी उम्मीद है कि और चलते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये आश्वासन है ना। वो एक विचारशील, विचारवान और गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं। कभी उनके भाषणों में या बैठकों में आपने कभी किसी स्तर से नीचे किसी चर्चा का उल्लेख नहीं सुना होगा। वो गंभीरता से एक स्तरीय चर्चा करते रहे हैं, विधान परिषद में, राज्यसभा में और अब विधानसभा में उनके जो भी भाषण हैं, जो भी उनकी तरफ से टिप्पणियां हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि वो एक गंभीर चिंतन के साथ और एक अत्यंत सधी हुई भाषा में, और जैसा उन्होंने कहा, मुझे कभी कभी देख के बहुत आश्चर्य होता है कि वो बड़ी सधी हुई और संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं। ये आजकल राजनेताओं में इस प्रकार भाषा के प्रति और अपनी भाषा के प्रति ऐसा लगाव देखने में कम आता है। अगर ज़्यादा लोगों में ये भाव हो तो अभी जो जिस ढंग से लोक सेवा आयोग में परीक्षा के अंदर भारतीय भाषाओं की अवमानना की गई थी, वो शायद नहीं होती।
कलराज जी के साथ मेरे बहुत संस्मरण हैं। राजनाथ जी उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए हैं तो वो मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए हैं। इसलिए ऐसे बहुत से संस्मरण हैं। हम लोगों ने गांव में पैदल चलते हुए गाजर चना मूंगफली खाते हुए चुनाव लड़े और लड़ाए हैं, तो वो एक लंबी कहानी है, उसके लिए आज का समय नहीं है। राजनाथ जी ने कहा कि वो और ये गाजीपुर ज़िले के निवासी हैं, ठीक बात, वाराणसी मंडल के हैं, तो दोनों मेरे ही तत्वावधान में हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। वैसे राजनाथ जी अपनी गोरखपुर की पढ़ाई की बात कह रहे हैं, मगर वो इलाहाबाद से गोरखपुर क्यों गए थे वो बात इन्होंने छिपा ली। अब जहाँ तक ब्रह्मर्षि और राजर्षि का सवाल है, तो कलराज जी राजर्षि हैं? नहीं, ये तो ब्रह्मर्षि थे, तो इनको राजर्षि बनना होगा। आप राजर्षि हैं तो आपको ब्रह्मर्षि बनना होगा। अब आपके सवाल का जवाब है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप राजनीति छोड़ दें, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये अपना ब्राह्मणत्व छोड़ दें, ये मतलब नहीं। दोनों अपनी जगह पर रहते रहते सद्गुणों का की साधना करते रहें और देश की आराधना करते रहें। जहाँ तक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में कलराज जी ने लिखा, मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा, सुखद आश्चर्य हुआ मुझे, क्योंकि कलराज जी को मैंने अंग्रेजी में लिखते कभी देखा नहीं, मगर जिस परिस्थिति में उन्होंने अंग्रेजी के अंदर लिखना स्वीकार किया वो भी उन्होंने बताई, और मुझे प्रसन्नता है कि वो जैसी अच्छी हिंदी में लिखते बोलते हैं वैसी ही इस पुस्तक में एक दो पेज जो मैंने देखे और जो उद्धरण देखे उससे लगा कि पुस्तक का स्तर उनकी हिंदी की पुस्तक से कम नहीं। अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छा विषय है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में उन्होंने, मुझे पता नहीं भारत में कैसे न्याय मूर्ति हुआ करते थे उसका उल्लेख किया या नहीं, शुक्रवृद्धि का तो जरूर उल्लेख किया, लेकिन हमारे देश में न्याय मूर्तियों के बारे में जो आदर्श माने गए हैं इतिहास में, इतिहास के पुराने वाले तो छोड़ दीजिए और निकट इतिहास में, वो थे राम शास्त्री, जो महाराष्ट्र में पुणे में न्यायमूर्ति थे पेशवाओं के ज़माने में। वो उनके घर को देख के कोई समझ नहीं सकता था कि ये मुख्य न्यायाधीश का मकान है, उनकी पत्नी को देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि वो मुख्य न्यायाधीश की पत्नी है। पेशवा की पत्नी ने बहुत उनकी प्रशंसा सुनी और उन्हें अपने घर बुलाया, तो ये पैदल चल करके गई, उनके पास तो कोई सवारी थी नहीं, और बहुत ही सामान्य कपड़ों में, जो एक जैसा गरीब भारत की महिला सामान्य महिला पहनती है, कोई आवरण नहीं कोई आभूषण नहीं, गए। पेशवा की पत्नी ने उनको देखा, बड़ा आदर किया और बड़ा अफसोस मनाया कि हमारे मुख्य न्यायाधीश की पत्नी का ये हाल है। तो उन्होंने लौटते समय उनको बहुत अच्छे वस्त्र दिए, नहीं पहनाए, आभूषण पहनाए, और पालकी में बैठा करके उनको भेजा कि आप कैसे पैदल आई हैं, आप हमारे मुख्य न्यायाधीश की पत्नी हैं। जब ये दरवाजे पर पहुंची तो राम शास्त्री ने पूछा, ये कौन आ रहा है पालकी में? तो उन्होंने कहा, आपकी पत्नी है, क्यों, क्या बीमार हो गई, कैसे आ रही है पालकी में? जैसे ही वो उतरी तो ये मेरी पत्नी नहीं है। अरे आप ही की पत्नी है साहब? बोले, मेरी पत्नी इस प्रकार के मूल्यवान आभूषण और ऐसे वस्त्र पहनने वाली नहीं हो सकती। और चला जाए वापस जहाँ से लाई हो उसको वापस कर, और पालकी पर चढ़कर नहीं आना, पैदल आना भाई, मैं तुमको पालकी का भार वहन करने के लिए पैसा नहीं दे सकता। यह है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये होता है न्यायमूर्ति जिसके बारे में, जिसके चरित्र, जिसके जीवन के बारे में अंगुली निक्षेप नहीं हो सकता। कलराज जी कह रहे थे कि अभी
दो प्रकार के जज होते हैं, एक वो जो कानून जानते हैं, दूसरे वो जो कानून मंत्री को जानते हैं। मगर इसकी भी विशद व्याख्या है। पहले इस देश में न्याय मिलता था, अब इस देश में निर्णय मिलते हैं। पहले कुछ जमाने में निर्णय मिलते थे, अब निर्णय प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर ये पुस्तक बहुत सामयिक है। मैं कलराज जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय चुना, और वसंत जी को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही मान्य व्यक्तित्व को अपनी पुस्तक का, अपनी रचना का केंद्र बिंदु बनाया। और प्रभात जी तो हमेशा से ऐसे अच्छे काम करते ही रहते हैं, मुझे आशा है कि और ऐसे अच्छे काम वो करते ही रहेंगे। मेरी कलराज जी को शुभाशीष है, शुभकामना है, वो स्वस्थ रहे, आगे बढ़ें और देश में कीर्ति दूर दूर तक फैलाएं। और ये उन पर तय है कि वो ब्रह्मर्षि रहकर करेंगे कि राजर्षि रह के, ये मैं उन पर छोड़ता हूँ।